आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस यूनिट 9 के लेक्चर 7 में एल्टन मायो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एल्टन मायो को ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के साथ और इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के साथ एसोसिएट किया जाता है ना। उन्हें जो उनका जो मेन वर्क है वो हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, तो उनको हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली उन्हें हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है तो 5 साल तक 1927 से 1938 तक चला था। और जो हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे उन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एल्टन मायो कुछ वर्क किस प्रकार हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो कि 1933 में लिखी गई, सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में लिखी गई, इन द सेम ईयर पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन वॉज रिटर्न। ओके, तो इसमें फ्रिज रोसलीबर्ग जो है तो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये एल्टन मायो के रिसर्च असिस्टेंट थे हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट वास्तव में था क्या। तो हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है तो 1927 से 1932 के बीच में जो है तो किया गया था। ओके, ये इसमें इसकी डेट भी याद रखनी जरूरी है बिकॉज सम टाइम इट इज आस्क। ओके, इसमें क्या था कि इसका जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था वो था कि इफेक्ट ऑफ एलुमिनेशन ऑन आउटपुट, तो जो एलुमिनेशन का क्या इफेक्ट होता है आउटपुट पर, इसको इसकी स्टडी का इसका जो है तो इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव था है ना। और रिसर्च प्रोजेक्ट ये नेशनल रिसर्च काउंसिल के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था। और जो रिसर्च है वो हैथॉर्न प्लांट ऑफ बिस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी एक जगह है वहाँ पर ये जो है तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। चलिए, तो इसमें हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट में जब हम पढ़ते हैं इसमें 4 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। पहली एलुमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दूसरा रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मैसिव इंटरमेनिंग प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन। तो 4 चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो एलुमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इसमें क्या था कि जो है तो एलुमिनेशन का जो इन्फ्लुएंस था वो जो है तो आउटपुट पर, एलुमिनेशन का क्या जो है तो आउटपुट पर इफेक्ट होता है इसको जो है तो ऑब्जर्व किया गया था है ना। ये जो है तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये लगभग 2.5 साल चला था है ना। एक्सपेरिमेंट को 2 ग्रुप में किया गया था, एक फॉर वन ग्रुप वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग वॉज मेड पीरियोडिकली एंड फॉर अनदर रिजल्ट कॉन्स्टेंट। तो एक ग्रुप में जो है तो लाइटिंग की जो है तो वेरिएशन की गई थी, कॉन्स्टेंटली वेरिएशन की जाती थी पीरियोडिकली। हाउ एवर फॉर सेकंड ग्रुप इसमें जो है तो लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो सेम रखी गई है ना थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, सरप्राइजिंगली द आउटपुट ऑफ बोथ द ग्रुप्स इंक्रीज, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दोनों ही ग्रुपों का जो है तो आउटपुट इंक्रीज हुआ। चलिए, रिले असेंबली टेस्ट रूम में क्या हुआ था, तो इसमें फर्स्ट रिले असेंबली ग्रुप है ना हुआ था। इसमें मीनिंग ऑफ रिले क्या था, एक स्विच बोर्ड कंपोनेंट है ना, रिले क्या है एक स्विच बोर्ड कंपोनेंट है। इसमें 6 वुमेन वर्कर को एक सेपरेट रूम में रखा गया और उनको जो है तो आपस में बात करने की पूरी आज़ादी थी है ना। इसमें क्या था कि वर्किंग कंडीशन थी उसको धीरे धीरे चेंज किया गया और बहुत सारे इसमें इंसेंटिव दिए गए, फॉर एग्जांपल ग्रुप बोनस इंसेंटिव, रेस्ट पीरियड्स एंड शॉर्ट वर्किंग आवर्स, ये सब चीज़ें थी है ना। तो इंसेंटिव के कारण क्या हुआ कि आउटपुट इंक्रीज हुआ है ना, बट आउटपुट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इवन आफ्टर द इंसेंटिव वर विड्रॉन। तो इसमें क्या हुआ कि इंसेंटिव जब निकाल मतलब विड्रॉ कर लिया गया फिर भी आउटपुट बढ़ता गया। तो फिर सेकंड रिले असेंबली टेस्ट किया गया है ना, सेकंड रिले असेंबली ग्रुप टेस्ट रूम में क्या हुआ, इट वॉज डन टू रिटेस्ट द इफेक्ट ऑफ इंसेंटिव। तो ये जो है तो
इंसेंटिव के इफेक्ट को दोबारा से टेस्ट करने के लिए किया गया था। इसमें 5 जो है तो एक्सपीरियंस डिले आदमियों को सेलेक्ट किया गया था और उनको जो है तो बोनस दिया जाता था एज ए इंसेंटिव, है ना। हियर आल्सो आउटपुट केप्ट इंक्रीजिंग इन आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ इंसेंटिव, लेकिन यहाँ भी जो है तो इवन आफ्टर विड्रॉवल ऑफ इंसेंटिव आउटपुट वॉच केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, तो आउटपुट लगातार बढ़ रहा था जो है तो इंसेंटिव को लिए जाने के बावजूद। यहाँ भी फिर क्या हुआ, फिर थे एक रिले असेंबली टेस्ट रूम में द माइका स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या किया गया कि इसमें 5 लड़कियों के एक समूह को एक कमरे में रखा गया, है ना, और उनकी जो है तो वर्किंग एनवायरनमेंट पीरियोडिक था। लेकिन इसमें भी आशाजनक बात यह रही कि इसमें भी आउटपुट इंक्रीज करता गया, हालांकि इंसेंटिव को विड्रा कर लिया गया था। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखना रिले असेंबली टेस्ट रूम में, है ना, इसका ये जो है तो रिसर्चर्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो वर्कर्स हैं वो सोशल ग्रुप के रूप में जो है तो उभर कर आ गए, है ना, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रोडक्शन पर इंक्रीज हो गया, क्योंकि वर्करों के सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्रेट फ्रीडम ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, उनके पास जो है तो जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट था उसमें फ्रीडम थी, वो आपस में बात कर सकते थे, है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है तो सोशल बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते थे, तो वो अपने एनवायरनमेंट में फ्री थे, तो इस कारण उनका जो है तो वर्किंग सेटिस्फेक्शन बढ़ता गया और इसका प्रभाव ये पड़ा कि प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज होता गया, है ना, इंसेंटिव को विड्रा करने के बावजूद, है ना, है ना। तो ये वर्करों ने एक मतलब सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है तो अपने अंदर डेवलप कर लिया कि हमारा भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो उनके वर्किंग वर्क पैटर्न को बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से चेंज कर दिया, है ना। जब लोगों को अपने सोशल ग्रुप बना लिया तो लोगों ने जो है तो वर्क को एज अ डेली एक्टिविटी की तरह नहीं देखना शुरू कर दिया, उन्होंने जो है तो वर्क को एक मतलब एक जॉय की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया कि आज हमको जाना है वर्किंग में, वहाँ पर अपने सहपाठियों से मिलेंगे, है ना, बातचीतें होंगी, सुख दुख आदमी बांटेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक सोशल ग्रुप क्रिएट कर लिया, जिसके कारण यह हुआ कि जो इंसेंटिव जो दिए जा रहे थे उनको निकाल भी लिए, मतलब विड्रॉ भी कर लिया गया, फिर भी उनका जो है तो आउटपुट बढ़ता गया। तो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तो फाइंडिंग थी, है ना। फिर इसमें एक मैसिव इंटरवेनिंग प्रोग्राम भी चलाया गया, इसमें क्लिनिकल फेज था। इसमें क्या था कि वर्करों को क्या किया गया कि जो है तो उनको अलाउ किया गया कि आप अपने जो व्यूज हैं वो पूरी तरह से फ्री होके आप जो है तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपके क्या व्यूज़ हैं, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, यू कैन टेल, है ना, देवर केप्ट फ्री, है ना, दैट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू, है ना, कि आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को बता सकते हो विदाउट एनी फियर। ये क्या हुआ कि वर्कर्स ने इस मेथड को बहुत ही अप्रिसिएट किया, है ना, जो कंपनी कर रही थी, कंपनी जो है तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी कि कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम है वर्करों की, तो इस चीज़ को वर्कर्स ने बहुत ही अप्रिसिएट किया, है ना, और इसने भी जो है तो इम्प्रूव किया, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया, क्योंकि वर्कर्स की जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल गई जब उन्होंने अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बताया, जब उनको बुलाया गया कि आप आइए और आप जो है तो आपके जो भी विचार हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अच्छे बुरे जो है ना, आप बताइए, खुल के बताइए, तो वर्कर्स को बहुत अच्छा फील हुआ। जो हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम कभी जो है तो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर उसको निकाल देते हैं तो बहुत हल्का महसूस होता है, तो इसके कारण भी उनको लगा कि अरे वाह, कंपनी तो हम लोगों से जो है तो हमारे दिल की बात है ना जानना चाह रही है और हमको कोई पनिशमेंट भी नहीं दिया जाएगा, तो उनके अंदर जो है तो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन को से रिलीफ मिल गई, इसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ी, है ना। इसमें एक और
एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या था कि बैंक वायर ऑब्जर्वेशन लूप। इसमें क्या था, ये हैथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट था इसका फाइनल फेज था, है ना। इसका क्या एम था, है ना, द एम वाज टू ऑब्जर्व अ ग्रुप ऑफ वर्कर परफॉर्म अ टास्क इन नेचुरल सेटिंग, है ना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को नेचुरली काम करते हुए देखना, है ना, ऑब्जर्व करना। इसमें 14 वर्करों को सिलेक्ट किया गया था और उनका जो काम था कि द जॉब वाज टू सोल्डर फिक्स द टर्मिनल्स एंड फिनिश द वायरिंग, है ना। तो उनका मतलब कुछ ऐसा काम था कि जो है तो वायरिंग करना बनने का काम था, है ना, किस तरह से किया जाता है। तो और उनको जो है तो इसमें जो है तो वेजों को वेजेज वर पेड ऑन द ग्रुप इंसेंटिव प्लान, है ना। तो वेजों को ग्रुप इंसेंटिव प्लान के हिसाब से दिया गया। और यह पाया गया कि वर्कर्स हैड अ क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट विच वाज लोअर देन मैनेजमेंट टारगेट। तो इसमें यह पाया गया कि वर्कर्स के पास जो है तो आउटपुट का एक क्लियर कट स्टैंडर्ड है ना। उन्होंने अपने दिमाग में पहले से ही सोच रखा है कि हमें कितना आउटपुट देना है, जो कि मैनेजमेंट का जो टारगेट था उससे कम था, है ना। और वर्करों में एक इनफॉर्मल ग्रुप सॉलिडरिटी इमर्ज हुई, है ना। और एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है तो मेंटेन किया गया, और ये इनफॉर्मल प्रेशर के चलते हुए, है ना, एक वर्करों को ग्रुप बनाया गया। इसमें हर एक वर्कर्स को जो है तो एक टारगेट दिया गया जो कि मैनेजमेंट के टारगेट से कम था, और इसको रिलीजियसली फॉलो करने के लिए कहा गया। एक मतलब जैसे ट्रेड ग्रुप बन जाते हैं, ऐसे ही है जो है तो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप की तरह इसमें काम किया गया कि आपको इतना ही प्रोडक्शन या कि इतना ही आउटपुट देना है। इसमें कुछ टर्म है जैसे रेट बस्टर, तो एक है ना रेट बस्टर उसे कहा जाता था जो अब मतलब जो टारगेट दिया गया उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। चेसलर उसे कहा जाता था जो बहुत ही कम प्रोड्यूस करता था। और स्क्विलर वो कहा जाता था जो सुपरवाइजर को अपने ग्रुप के बारे में गलत जानकारियाँ या कि ग्रुप के बारे में जो मतलब कंपनी के सेंस में तो सही जानकारियाँ होती थी, लेकिन जो ग्रुप में एक इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ था कि हमें इतना ही आउटपुट करना है, और कोई भी पूछेगा तो कहते हैं ना हम तो ऐसे ही काम करते हैं, तो वो जो कोई व्यक्ति बता देता था तो उसको स्क्वेलर कहा जाता। इसमें अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं आगे कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये में जो है तो जो एल्टन मायो की थी इसमें इसने जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन फैक्टर को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। इसमें इंडिविजुअल को एक सोशियो साइकोलॉजिकल बीइंग की तरह देखा गया, है ना। और इसमें जो है तो मैनेजर का जो काम था उसमें सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। इसमें मैनेजर का जो काम था वो एम्प्लॉयज़ की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना था, है ना, ऐसा था। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल ग्रुप्स का क्या इम्पोर्टेंस था, तो इनफॉर्मल ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल होता है वो एक तो फॉर्मल ग्रुप का पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन बना हुआ है तो उसका पार्ट हो गया, और दूसरा वो इनफॉर्मल ग्रुप का भी पार्ट होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि है ना वर्करों ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया था जिसके माध्यम से उन्होंने टारगेट सेट किया था कि हमको इतना ही प्रोडक्शन करना है, है ना। और इसमें ये है कि इंडिविजुअल जो है तो अपने इनफॉर्मल ग्रुप से ज़्यादा अटैच रहता था। फॉर्मल ग्रुप से तो ठीक है, अटैचमेंट तो होता था तो होता ही था, लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप था उससे ज़्यादा अटैच रहता था। इसमें एल्टन मायो ने रिबल हाइपोथेसिस को जो है तो गलत करार दिया। कैसे, रिबल मतलब होता है कि एक जो है ना भीड़, है ना भीड़। और रिबल हाइपोथेसिस कहता है कि जो है तो व्यक्ति जो होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है तो ज़्यादातर काम करते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, और वो केवल एक क्राउड का एक पार्ट होते हैं जो जिन्हें कभी भी यूनाइट नहीं किया जा सकता, है ना। वो क्राउड के का एक हिस्सा होते हैं जिन्हें कभी भी यूनाइट नहीं किया जा सकता, और वो हमेशा सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मायो का ये मानना था कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन से हम जो है तो
एक जो है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है तो जो काम होते हैं उसको करवाया जा सकता है बहुत ही आसानी से, है ना। और इसमें कोऑपरेशन और कोऑपरेशन दैट गेट्स थिंग डन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट कंपटीशन। तो जो है तो मायो को मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोलेबोरेशन और कोऑपरेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से चीज़ों को किया जाता है, ना कि कम जो है तो कंपटीशन द्वारा, है ना। तो और इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपने जो है तो ग्रुप इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों आज के इस जो है तो डिस्कशन में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।